ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਗੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੂਡਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਵਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड रेवेन्यू मिनिस्टर कौल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ हैं। बात करें मैगी की, जिस तरह से पूरे जो है राज्यों में जो है मैगी के सैंपल लिए जा रहे हैं, कई जगह फेल हुए हैं, कई पास हुए हैं, हिमाचल की तरफ से आप हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, हिमाचल की तरफ से किस तरह की हिदायतें दी गई हैं और किस तरह से जो है देखा जा सकता है? हमने हिमाचल प्रदेश में मैगी के एक तो नए सैंपल आने बंद कर दिए हैं, बैन कर दिया है। दूसरा, हर जिले से हमने उसके कुछ सैंपल लिए हैं और सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं। मैगी नहीं है, जो दूसरे नूडल वगैरह हैं और जो कुछ पतंजलि जो पीठ है, उन्होंने भी योगा से शुरू करके जो है वो व्यापारिक गतिविधियों में आए हैं, उनके प्रोडक्ट का भी हमने कहा सैंपल लो, अगर वो अडल्ट्रेटेड है तो निश्चित तौर पे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक सवाल और है, जो हिमाचल के 7 जवान जो है शहीद हुए हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आपके भी हैं, किस तरह से जो है सरकार जो है उनको सहायता देगी और किस तरह से जो है उनको सम्मान किया जाएगा? ऐसा ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हिमाचल के जो है नियते फौजियों पर उग्रवादियों ने घात लगा के हमला किया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। उसमें से 18 में से हिमाचल प्रदेश के कल तक तो 7 थे, कहते एक जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई, 8 हो गए हैं। हम उनके स्तब्ध परिवारों को शोक व्यक्त करते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव सहायता जो है उनके परिवारों की करेंगे। वो बिल्कुल नौजवान थे, उनकी घर जो उनकी घर में विधवा हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हिमाचल प्रदेश में नौकरी उपलब्ध कराई जाए और कुछ जो है अपनी तरफ से उनको मदद भी दी, वित्तीय मदद भी दी। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पे कौल सिंह ठाकुर जो हेल्थ और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य के सम्मान के साथ जो है उनको विदाई दी जाएगी और जो उनके जो परिवार में जो लोग हैं उनको जो है वित्तीय सहायता जो है वो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सहायता दी जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, TN90। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।